हरे कृष्ण डिवोटीज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल लिसन टू मॉन्क को। तो आज हम आए हैं मायापुर नवदीप में, जो वेस्ट बंगाल में है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है और आज हम आपको लेके चल रहे हैं गंगा स्नान, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्नान किए थे। इसको प्रपात घाट भी बोलते हैं। हरे कृष्ण। तो आइए हमारे साथ। गंगा महारानी की महिमा अपरंपार है। श्री भागीरथ जी ने गंगा जी को जमीन पर प्रकट करवाया था भगवान विष्णु की घोर तपस्या करके। जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वयं गंगा जी धरती पर प्रकट होंगी, लेकिन उनके वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। तब भागीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसके बाद गंगा जी को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। तब से गंगा महारानी हिमालय से कई शहरों को पावन करती हुई, कई गांवों को पवित्र करती हुई गंगा सागर में आकर मिलती है। यह गंगा का मंदिर इस्कॉन के द्वारा स्थापित तथा सेवित है। देश विदेशों से काफ़ी सारे भक्त, जिन्हें इस्कॉन के द्वारा या अन्य वैष्णव संप्रदायों के द्वारा प्रचार किया गया है, वो यहाँ आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने का बहुत महत्व है। बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं, अर्थात राधा और कृष्ण जब मिल जाते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ स्नान किया करते थे और कई प्रकार की खेल खेला करते थे, अटखेलियाँ किया करते थे। आज हम यहाँ आए हैं, आज एकादशी है और हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे इस्कॉन के भक्त जो हैं स्नान आदि कर रहे हैं। गंगा जी को प्रणाम करना, स्नान करना, तिलक लगाना भक्ति का एक अंग है। 13 प्रकार से तिलक लगाए जाते हैं मंत्र पढ़कर, जो भक्त के शरीर पर सुंदर रूप से शोभायमान होता है। गंगा जी भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए गंगा जी की उपासना करना भी भक्ति का एक अंग माना जाता है। गंगा जी कई आध्यात्मिक लाभों के साथ साथ भौतिक लाभ भी प्रदान करती है, जैसे शारीरिक समृद्धि। ऐसे बताया जाता है कि गंगा तट पर रहने वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ते, जो गंगा जी में प्रतिदिवस स्नान आदि करते हैं। मायापुर में इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है। ऐसे बताते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इस्कॉन ने पूरे विश्व में प्रचार किया है और इस प्रचार के कारण देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो आइए जानते हैं ये भक्त कहाँ से है। Which country? You from? Croatia. Croatia is from Croatia. Oh. You're making video. Yeah. तो ये भक्त क्रोशिया से है, जो एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। ये जो सेफ्रॉन कपड़ों में भक्त देख रहे हैं, ये इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं। इस्कॉन में कई ऐसे युवा हैं जो अपना जीवन भगवान के संदेश का प्रचार करने में समर्पित कर देते हैं और आजीवन भगवान के संदेश, जो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में है, उनको प्रचार करने में लगे रहते हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी ये भक्त जाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। कई बड़े बड़े कॉलेज और कॉरपोरेट्स, मिनिस्ट्रीज, इनमें जाके ये भक्त लोग प्रचार करते हैं, भगवद गीता का संदेश देते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाते हैं। इस्कॉन के भक्त केवल भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं। इनका मानना है कि हमारा जीवन सीमित है, कोई 70 साल, कोई 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 100 साल जीता है और इसी समय की अवधि में हमें श्री भगवान का साक्षात्कार करना होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये जीवन का अटल सत्य है। चाहे हम मरना चाहें या ना चाहें, बूढ़े होना चाहें या ना होना चाहें, या बीमार होना चाहें या ना होना चाहें, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें वृद्ध होना ही होगा, हमें मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा, या हमें जन्म लेना ही होगा। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान का साक्षात्कार करने के लिए मिला है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए मिला है, और इसके लिए इस्कॉन के भक्त
शास्त्रों के माध्यम से प्रचार करते हैं और बताते हैं कि भगवान का नाम जप करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। ये जानते हैं ये भक्त कहां से आए हैं। Where are you from? Both of you? अच्छा आप दोनों कनाडा से, you both from Canada. जय हरि बोल। What's your good name, प्रभुजी? प्राण गौरांग दास। And you? भक्त एमिल। भक्त एमिल प्रभु की जय। हरे कृष्णा। चलिए हम एक भक्त से यहाँ पे गंगा जी श्री और श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में श्रवण करते हैं। आज हम गंगा के तट पर हैं, इसी गंगा के तट पर आप सब हर दिन हम गाते हैं संध्या आरती। नहीं सब महाप्रभु इधर आके गंगा में अनेक लीला करते थे, बच्चे के पानी मुँह में डाल के बच्चे के ऊपर ऐसे ऐसा करते थे, किसी के ऊपर करते थे और दूसरे के कपड़े लेके इधर उधर करते थे, पुरुष के कपड़े उधर लगा देते थे, स्त्री के कपड़े इधर लगा देते थे। सर अनेक लीला इधर की हैं और आप सब जानते हैं गंगा मैया के अंदर एक बहुत कष्ट था कि भगवान कृष्ण ने अनेक लीला यमुना में की हैं। सो गंगा बहुत दुखी थे, सो भगवान ने वरदान दिया मैं गौर सुंदर का रूप में आऊँगा और आपके तट में अनेक लीला करूँगा। सो उसको सुन के गंगा मैया बहुत बहुत खुश हुए। सो ये हम बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस जगह में गौर सुंदर ने अपने पार्षद के साथ लीला करते थे हर दिन, उसी जगह में हम लोग का स्नान करने का आज मौका मिला। ये गंगा है तीनों लोगों को पवित्र करती हैं और गंगा बहुत दुखी थे जब कलयुग में आने नहीं जा रहे थे, पर वरदान दिया है भगवान ने जाओ सब लोग आपके पाप छोड़ के जाएंगे, मधुसुंदरपुर की तरफ वैष्णव लोग आएंगे और स्नान करेंगे सारे पाप को आपके साथ, कितने भी पाप आपके अंदर छोड़ के वो सारे पाप शुद्ध हो जाएगा। तो ये स्थान वैष्णो का स्थान है, ये गंगा मैया बहुत खुश हैं जब वैष्णो लोग आके स्नान करेंगे। हरी वो गंगा मैया के जय, गोपी बाबू की जय, इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी के जय।